और इसके अंदर मुझे जो सेवा मिली, जिसके मैं सेवा कर रहा हूँ और जिसके जिसकी वजह से आज बाबूलाल को पता है कि मेरे को उसने ये कहा है कि आप इसी तरह चलते रहना। और बाबूलाल साहब का जो सर है, मैं भी उनको सर कहूँगा, श्री नदीम सर, एरिया मैनेजर अपने नदीम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ श्री नदीम सर से प्रार्थना करूँगा तो मंच पे आए। जोरदार तालियां। टाइम की कमी है, फिर भी गेस्ट से हम थोड़े बाद उनसे बात करेंगे। और हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक में नदीम सर के ऑर्गेनाइजेशन में बाबूलाल की तरफ से जो उनके एसओ है, उन्हें जो जो उन्हें अचीवमेंट की है गोल्ड मेडल की, आज वो भी हम तकसीम करेंगे। उसके बाद हमारे दो आइटम और है। सबसे पहले मैं अपना चीफ गेस्ट श्री मुख्य उद्धव से कहूँगा कि वो कुछ कहे। इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए मेरे माओ बहनों बुजुर्गों दोस्तों भाइयों नमस्ते। कहते हैं कि जिंदा है वो कौमें जो अपने धर्म और कल्चर को रुशनाश कराती हैं। मैं आज विजय चौहान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमारी धर्म की खातिर आज इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उनके साथ उनके तमाम ऑर्गेनाइजर दोस्तों को भी मुबारकबाद देता हूं। आज इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे टेबलों पेश किए गए, जिसमें कृष्ण भगवान के रूप में नन्हे से बच्चों ने कहा कि ये बड़ी दुखी है दुनिया, कि भगवान का नाम अर्पण करके इन दुखों को मिटाओ। ये हकीकत है कि जहां दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही हो, वहां ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके इससे जिंदा दिलों को, आपको जिंदा दिल कौमों का और क्या सबूत हो सकता है कि हम ऐसे दहशतगर्दी के हालात में भी इतनी बड़ी तादाद में इस ऑडिटोरियम में मौजूद है। विजय भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहें। हम जब तक बनकासम टाउन में है या ना भी हो, तो मैं अपनी तरफ से आपकी जितनी भी अपनी कम्युनिटी की जानिब से हेल्प होगी उसके लिए हम करते रहेंगे। विजय भाई, आज आपने जो जाने आलम जामोद साहब को चीफ गेस्ट बनाया था, आप तमाम मनाटी के दोस्तों को मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान का ये वाइस कौनसम है जिसने बिन कासम टाउन में 11 मंदिरों का एक साथ अभी काम शुरू किया हुआ है और 4 चर्चों का काम शुरू किया हुआ है। ये सारा 13 करोड़ रुपए की लागत से मैं समझता हूँ पाकिस्तान का पहला टाउन नाम है जो मनाटी को भी अपने भाई समझता है। मैं काफी टाइम हो चुका है इसलिए लंबी थोड़ी तकरीर नहीं करूंगा। विजय भाई, फिर भी एक मतलब पर आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने आज हमें इतना मान सम्मान दिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आज हमें ऐसा था, हमारी कम्युनिटी में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी को इतना बड़ा सम्मान मिला है। तो इसी सम्मान के स्टेट बैंक की तरह से जो गोल्ड मेडल मिला है विनोद कुमार को, विनोद कुमार कल्याण परमार, उसको मुखी साहब गोल्ड मेडल पेश करेंगे। विनोद कुमार के परमा, जिसने गोल्ड मेडल हमारी कम्युनिटी में गोल्ड मेडल लिया है, मुखी साहब अपने हाथों से गोल्ड मेडल पेश कर दें। अब मैं माइक और इनकी टीम से जिसको मैं भी कहूंगा सर, श्री बाबूलाल के परमार, जिसकी बदौलत ये जो स्टेट लाइफ का हिंदू कम्युनिटी में जो इतना फैलावा है जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल के परमार की वजह से। और उसका भी सिर्फ ये है कि उनको नदीम सर जैसा शख्स मिला। नदीम सर के लिए बहुत सी तालियां। आप बाबूलाल के परमार को गोल्ड मेडल पेश करेंगे नदीम सर। दिवाली मिलन के दास है, आपकी पूरी कौम को